ब्लॉग्स और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको पहले बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी कि इतने मेरे फॉलोअर्स हुए हैं और व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो है रिगार्डिंग टू द कस्टम ऑफिस कि जब मैं फ्लाइट में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई तब एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका क्या आंसर देना पड़ता है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज का ब्लॉग शूट किया हुआ है। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कौन सी फ्लाइट थी, मेरा लेवर कहाँ पर था, कितने घंटे का था, और हम जब ट्रैवल करते हैं तो उस पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे साथ में रखने पड़ते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ्लाइट थी थाईलैंड और मेरा लेवर था बैंकॉक में, और उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट थी मेलबर्न की। तो जब मैंने एंट्री ली तब बेस्ड ऑन स्टूडेंट वीज़ा मुझे ऑफिसर रहता ही है, तो वो हमें हमारी टिकट वगैरह चेक करता है और तब हमारे पास रखने के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक ऑफर लेटर कि जिसने हमें जिस यूनिवर्सिटी ने हमें एडमिशन दिया है वो, क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वो ऑफर लेटर, दूसरा COE और OHSC की सीट भी हम रख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर रखनी हो तो रख सकते हैं। पासपोर्ट तो होता ही है और है वीज़ा, ये वीज़ा की जेरोक्स कॉपी वगैरह, वे ये तीन चार डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें हमारे पास रखने हैं, क्योंकि हम वहाँ जहाँ पे भी हमारा लेओवर होगा वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट हमसे मांगेंगे और हमसे पूछेंगे कि आप कौन से कोर्स पे जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपको कोई आपके साथ कोई है या आप अकेले हो। तो जब मैं यहाँ से इंडिया से निकली तब इतना ही मुझे पूछा था कि आप अकेले हो, आपको कोई अकंपनी कर रहा है, कौन से कोर्स पे जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद बैंकॉक के लिए मेरा फ्लाइट थी, तो बैंकॉक में मेरा एक घंटे का लेओवर था, वहाँ पे कुछ भी इतना कुछ नहीं पूछा था, जस्ट इतना ही वीज़ा की कॉपी वगैरह मांगी और पासपोर्ट देख के जाने दिया, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं हुई थी। बाद में डायरेक्ट मेलबर्न की फ़्लाइट थी, तो मेलबर्न में भी हमें जब फ्लाइट में बैठते हैं तभी एक हमें कार्ड देते हैं जिसमें हमें वो फिलअप करना होता है कि हम हमारे साथ लगेज में कौन कौन सी चीज़ लेके जा रहे हैं वहाँ पे, लाइक हमारे पास सीड्स है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो हम नहीं ले जा सकते, उसमें मेंशन करनी पड़ती है, उससे में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, उसे अच्छी तरह से दो तीन बार पढ़ के टिक मार्क करने का और यहाँ का रिलेटिव वगैरह जो भी है उसका नंबर मेंशन जो भी है वो सब कुछ उसमें फिलअप कर देने का होता है। छोटा सा कार्ड होता है कि हम हमारे पास कौन कौन सी लाइक मेडिसिन होती है, यूटेंसिल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, बहुत सारे लोग तो सीड्स वगैरह भी लेके जाते हैं बट इट्स नॉट गुड फॉर अस, मीन्स हमें नहीं ले जाना चाहिए वहाँ पे, पर बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं। बाकी ये सब कुछ हमें मेंशन कर देना पड़ता है। ओके, देन बात आती है कस्टम ऑफिस की मेलबर्न की। तो हम जब हमारी फ्लाइट जब लैंड होती है उसके बाद वन बाय वन हमें जाना पड़ता है कस्टम, मीन्स हम वहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है कि कस्टम ऑफिसर्स हमें क्या पूछते हैं, तो मैं वही बताऊँगी कि अगर मैरिड केस है तो पूछेंगे कि आपके हस्बैंड साथ में आए हैं, कब आएंगे, क्यों अभी नहीं आए हैं, ऐसा कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी में आप आए हो, यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव है या नहीं, और आपका साथ कोई अकंपनी कर रहा है, और बेस्ड ऑन हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं और अकेले होते हैं तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चन नहीं करते, इतना ही पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऑफर लेटर देखते हैं, COE देखते हैं, कौन सा कोर्स है वगैरह पूछते हैं, और आप उसके बाद हम हमारा लगेज कलेक्ट करके हम लास्ट जो होता है कि जो हमारा लगेज स्कैन होता है वहाँ पे जाते हैं और हमें जस्ट इतना ही पूछते हैं कि आप अपने लगेज में क्या क्या लेके आए हैं, तो हमें जस्ट इतना बताना पड़ता है कि हम स्पाइसेस लेके आए,
और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट लेके नहीं जानी चाहिए, वो अलाउड नहीं करते हैं डेयरी प्रोडक्ट। और बन सके तो सीड्स वगैरह भी हम नहीं ले जा सकते, और जो भी चीज़ हम लेके जाते हैं, हमारे पास जो भी लाइक स्नैक्स वगैरह होता है कुछ भी, उसका बारकोड और डबल पैकिंग होना चाहिए, कुछ भी खुला हुआ हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पे। और मैं एक और बात भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारी फ्लाइट्स है, लाइक सिंगापुर एयरलाइंस है, कांटाज है, थाई है, तो उसमें हम हमारी जो कैबिन बैगेज है उसमें हम एक हमको जो भी नाश्ता अच्छा लगता है वो हम साथ में ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें फ़्लाइट का फूड अच्छा लगे या ना लगे, इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम खा सकेंगे, कि इससे बेहतर है कि हम हमारा नाश्ता खुद रखें तो हम खा लेंगे अगर हमें भूख लगे। क्योंकि मैंने भी ये किया था, मैंने अपना नाश्ता घर से मैं लेके ही आएंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फ्लाइट का फूड अच्छा नहीं लगता, और तो अगर हमें कैरी करना है तो हम कर सकते हैं और नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी नाश्ता लेके आते हैं वो डबल पैकिंग में ही लेके आए, और रेडी प्रोडक्ट और सीड्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं, बाकी कुछ भी आप लेके आ सकते हो, यूटेंसिल्स भी वी कैन कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, आज का मेरा वीडियो था रिगार्डिंग टू दी कस्टम ऑफिसर के क्वेश्चन और आंसर। मुझे लगता है कि आपको इतने में तो पता चल गया होगा कि लेओवर के टाइम और यहाँ से हम ट्रैवल करते हैं उसी टाइम, और जब हम वहाँ पे लैंड करते हैं उसी टाइम क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, इतने ही करते हैं, शांति से हम आंसर दे देंगे तो कोई कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इजीली हमें जाने देते हैं और स्टैम्प भी लग जाता है। सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी तरह से मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू सून।